حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات الله ایک مرتبہ اور برادران عزیز مقام ختم نبوت اور انسان کے عنوان سے سلسلہ بحث و گفتگو جاری ہے اور ہماری اس بحث و گفتگو کا قرآنی سرنامہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے جس میں ارشاد الہی ہے اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور پیغام وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے اور جسے بھی اس معبود برحق کی بارگاہ میں باریابی کی تمنا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے لازمی ہے کہ وہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں متعدد اور مختلف جہات و جوانب علم و معرفت کے کھلتے ہیں لیکن ہم نے اس آیت کے ضمن میں وحی و نبوت کے دلائل و برکات اور مقام ختم نبوت اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے انسان کی ضرورت اس عنوان کو اپنا موضوع فکر قرار دیا ہے بار بار یہ مرحلہ میرے سامنے آیا کہ خود وحی کی تعریف کروں مگر گزر گیا بعض حقائق ایسے ہیں جو ہیں پائے جاتے ہیں مگر ان کی تعریف لفظوں میں کر دینا آسان نہیں ہے بہت سے ایسے حقائق ہیں جن سے آپ واقف ہیں آشنا ہیں مگر پھر بھی ان کی تعریف کے سلسلے میں اور ان کی شناخت کے سلسلے میں خود مفکرین کے درمیان انٹلیکچوئلس کے درمیان فلاسفرز کے درمیان بہت اختلاف ہے تاریخ کے معلوم سرے سے لے کر آج تک جتنے فلسفی گزرے ہیں ان سب کی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود تعریف علم میں کتنا اختلاف ہے علم کی تعریف کیا ہے
बहुत इख्तिलाफ है। आकल की तारीफ क्या है? परफेक्ट लॉजिकल डिफिनीशन। मुकम्मल तारीफ आकल की क्या है? बहुत इख्तिलाफ है। और इसीलिए ये बात कहने का जी चाहता है कि आकल बशरी की नारसाई इससे बढ़कर क्या होगी कि खुद आकल की तारीफ मुअय्यन नहीं कर सकती। आप जो फिलॉसफी का लिटरेचर है उसे उठा के देखिए, कांट की किताब तनकीद अक्ल महज उठाकर देखिए, और सिर्फ कांट की नहीं, मगरिब मशरक के जितने फलसफी हैं उन सब ने अक्ल की तारीफ में क्या कहा, खुद अपने जहन की कैफियत इस्तिदलाल के सिलसिले में कितना इख्तिलाफ है। हर शख्स इस्तिदलाल करता है, ये तजर्बा तो वो है जो हर जहन इस तजर्बे से गुजरता है। बच्चा भी इस्तिदलाल करता है अपनी बातों पर, बूढ़ा भी इस्तिदलाल करता है, जवान भी इस्तिदलाल करता है, मर्द भी इस्तिदलाल करते हैं, औरतें भी इस्तिदलाल करती हैं। गुफ्तगू होती है नहीं होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं नहीं होते हैं, वो जिस पाए के भी हों, जिस मौजू पर भी हों, जो भी मजमून हो, जिस अम्र में भी नज़ा हो, मगर इस्तिदलाल तो पेश किया जाता है, दलीलें तो पेश की जाती हैं, आर्गुमेंट्स तो होते हैं। ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं तो जहन का एक अमल तो है, जहन इस्तिदलाल करता है, जहन ढूंढ ढूंढ कर दलीलें लाता है, ये जहन का ऑटोमेटिक अमल है, खुद ब खुद ये जहन अमल करता है। ये और बात है कि जो लोग मंतिक पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, रियाजी पढ़ते हैं, रियाजियात मुख्तलिफ उलूम को पढ़ते हैं, उन्हें उनका जहन मश्क़ व मुमारसत के बाद, एक्सरसाइज के बाद ज्यादा मंझा हुआ इस्तिदलाल करता है, जल्द इस्तिदलाल करता है, इस्तिदलाल की गलतियों को दर्क कर लेता है, गलतियों में मुब्तला नहीं होता। मगर असल तजर्बे इस्तिदलाल तो हर जहन को नसीब है, चाहे वो कमजोर और मामूली इस्तिदलाल हो या मजबूत मुस्तहकम और बुलंद दर्जे का इस्तिदलाल हो, मगर इस्तिदलाल के तजर्बे से हर शख्स गुजरता है, हर जहन बशरी गुजरता है। फिर भी अमल इस्तिदलाल पर क्या सारे मंतिकी मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक नहीं है। इंडक्टिव लॉजिक वाले कुछ और कहते हैं, डिडक्टिव लॉजिक वाले कुछ और कहते हैं, इस्तिंबाती मंतिक वाले कुछ और कहते हैं, इस्तिक्राई मंतिक वाले कुछ और कहते हैं। इस्तिदलाल किस तरह पेश किया जाए इस पर कितनी बहसें हैं। तो खुद ये इख्तिलाफ बताता है कि आकल नारसा है, बिल्कुल बेकार नहीं है, बिल्कुल गैर जरूरी नहीं है। आकल है, आकल जरूरी है, लेकिन आकल तन्हा काफी नहीं है। आकल बशरी तन्हा काफी नहीं है। और जिस तरीके से अक्ल बशरी तन्हा काफी नहीं है, उसी तरह कोई किताब भी तन्हा काफी नहीं है। तन्हा काफी नहीं। ये बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूं,
کہ کوئی بھی آیت جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس آیت پر عمل کے لیے درمیان میں عقل کا قدم چاہیے، دو لحاظ سے۔ عقل کا دوہرا رول ہے، پہلے آیت کو سمجھنے کے لیے، پھر آیت کا مخاطب قرار پانے کے لیے۔ یعنی اگر عقل نہیں ہوگی تو عقل ہمیں علم ہمیں کتاب ہمیں وحی ہمیں مخاطب ہی قرار نہیں دے گی، لائق گفتگو ہی نہیں سمجھے گی، ہم سے کہے گی ہی نہیں کتاب خدا کے نماز پڑھو۔ وہ کہے گی عقل ہے تو نماز پڑھو۔ توجہ رکھیے گا، جو لوگ رسوم عبادات کو اور دین کے تقاضوں کو ہی خلاف عقل سمجھتے ہیں انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ دین اپنے واجبات اور اپنی تکالیف اور اپنے فرائض کو متوجہ ہی کرتا ہے ان کے طرف جہاں عقل ہو۔ کوئی عقل نہ رکھتا ہو دین اسے مکلف قرار نہیں دیتا کہ آپ نماز پڑھیں، کوئی عقل نہ رکھتا ہو تو دین مکلف قرار نہیں دیتا کہ آپ روزہ رکھیں، کوئی عقل نہ رکھتا ہو تو دین اسے مکے جانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ مدینے جانے کی زحمت نہیں دیتا، تلاوت کی بھی زحمت نہیں دیتا۔ عقل نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت بھی مت کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سرپرست ہوگا جو ذی عقل ہوگا تو وہ آپ کو لے جائے گا کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو صاحب نفس مطمئنہ ہو، اور کہے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر دیجئے تاکہ انہیں عقل آ جائے۔ جنون میں مبتلا ہیں، انہیں افاقہ ہو جائے۔ دوبارہ عقل ضروری ہے مگر کافی نہیں، اور چونکہ اب یہ درمیان ہی میں گفتگو آ گئی کہ عقل ضروری ہے کافی نہیں ہے، بہت سے مسائل درمیان میں آتے ہیں۔ کل دو تین مثالیں دیں کہ مثلا عقل یہ کہہ دیتی ہے، یہ بتا دیتی ہے کہ شکر منعم واجب ہے، جو بھی انعام کرے اکرام کرے احسان کرے آپ پر اس کا شکر واجب ہے، عقل کا فیصلہ ہے، مگر اس کی تفصیل عقل وہاں درماندہ ہے۔ دفع ضرر نقصان سے بچنا یہ عقل کا فیصلہ ہے، مگر کہاں تک کیسے کس طریقے سے اس میں عقل درماندہ ہے۔ حسن و قبح کا مسئلہ، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز اچھی نہیں ہے، حسن و قبح کا مسئلہ عقلی ہے مگر تفصیل اس کی عقل درماندہ ہے۔ خیر و شر کا مسئلہ، خیر کو عقل پسند کرتی ہے، شر سے عقل کو بیزاری ہے۔ عقل بشری، اجی دونوں عمل عقل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل صرف حسن پسند ہو اور قبح سے بیزار نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل خیر پسند ہو اور شر سے بیزار نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں دونوں پہلو نہ ہو، خیر پسندی کے ساتھ شر سے بیزاری لازمی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں خیر کی باتیں کیجئے، خیر پسند ہے، شر کا تذکرہ مت کیجئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تذکرہ نہ کیجئے، مگر اگر تذکرہ ہو جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
अगर शर से का सामना हो जाए तो आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए? जाहिर है कि उस वक्त शर से बेजारी अक्ल इंसानी का तकाजा है, मगर इसकी तफसीलात, इसमें अक्ल दरमांदा है। इस तरह की चूंकि मुश्किलात हैं, इसलिए बहुत सी बहसें जबान तक आती हैं और फिर मैं दोनों होठों को बंद कर लेता हूं, ताकि वो जब वक्त आए तब सामने आए। मसलन मैं पहली मुहर्रम से सोच रहा हूँ कि वही की माहियत पे गुफ्तगू करूँ, वही की हकीकत पे गुफ्तगू करूँ। आखिर वही ये है क्या शय है, कौन सा अमल, किस तरीक़े से नबी पर कलाम इलाही नाजिल होता है? कलाम इलाही की हकीकत क्या है? हम जो कुछ समझते हैं, ये मामूली बहस नहीं है, और ऐसी बहसें छेड़ने से यूँ भी डरता हूँ कि जो तबीयतें मुतहम्मिल हैं वो तो इन बहसों का बार उठा सकती हैं। जो तबीयतें मुतहम्मिल नहीं हैं, कमज़ोर तबीयतें हैं, अहले मुतालआ नहीं हैं, उनके लिए ऐसा ना हो कि बहस छेड़ूं तो वो सादा जहन और उलझ कर रह जाए। लेकिन एक बात दिल को ताकत पहुंचाती है कि जिस मेंबर से गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस फ़ज़ा में गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये फ़ज़ा ये खुद ज़मानत है इस बात की कि यहाँ जो जहन भी आएगा वो सुलझ कर जाएगा, उलझ कर नहीं। और जो हजरात बाकायदा अहले मुतालआ नहीं हैं, किसी इल्मी रिवायत से वाबस्ता नहीं है, अमली ज़िंदगी में हैं, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इल्म अता करने वाला, हिदायत अता करने वाला, उसने इतने वसाइल इल्म खल्क कर दिए हैं, वो अपना फैज़ पहुंचाने के लिए इतने वास्ते उसने खल्क किए हैं कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए। हदीसे मासूम है, यह हदीस भी सुन लीजिए ताकि आपके दिलों की कुव्वत भी बढ़ जाए। मासूम फरमाते हैं, अल-इल्मु नूरुन यक़्ज़िफ़ुहु अल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल दे। तबीयत नूर पसंद होनी चाहिए, नूर से बेजार नहीं। तबीयत में नूर पसंदी, तबीयत में नफासत होनी चाहिए, तबीयत में सफाई होनी चाहिए, नूर की शुआएं वहीं ज़्यादा तजल्ली सामानियां करती हैं जहां आईना साफ हो। आईना मुकद्दर हो, आईना खाक आलूद हो, तो फिर नूर की शुआएं उनकी तजल्लियां उभरती नहीं। लेकिन अगर आईना साफ हो तो फिर
नूर की हर शुआ पूरी पूरी तजल्ली देती और ये मकतब वो है कि यहाँ कोई भी कितना ही गुबार लिए हुए आए हमारे आंसू आईने कल्ब को साफ कर रहे आंसू जो हैं खौफ खुदा में आंसू ज़िक्र खुदा में आंसू याद खुदा में आंसू याद रसूल में आंसू याद अहले बैत रसूल में आंसू याद औलियाउल्लाह में आंसू ये दिलों को साफ़ कर देते हैं तज़किया नफ्स कर देते हैं। तो इस फ़ज़ा में आने के बाद यकीनन जितने मुश्किल मराहिल हैं वो कहीं ना कहीं हल हो जाते हैं। अब वही का मसला भी हल होगा इंशाल्लाह। वही क्या है, कैसे नाजिल होती है वही, कलाम इलाही की हकीकत क्या है। इसलिए कि हम जब कलाम करते हैं तो हमारी सूरत तो यह है कि कलाम करने के लिए आवाज़ों के लिए मकाते हरूफ हैं, मखारिज हरूफ हैं, हलक है, ज़बान है, तालू है, दांत हैं। हर हर्फ जो अदा होता है, हर आवाज़ जो निकलती है वो एक ज़बान की ख़ास वजह से, हवा और फ़ज़ा, हवा जो मुंह के अंदर होती है उसकी ख़ास हरकत से, ज़बान की ख़ास वजह से। कोई हर्फ फ़े अगर अदा करना है तो ज़बान की नोक आगे के ऊपर के दो दांतों से मिलेगी तो फ़े अदा होगा। सीन अदा करने के लिए कोई और मखरज है, सौद अदा करने के लिए कोई और मखरज है, और जहाँ ये तमीज़ ना हो वहाँ से और सौद और सीन तीनों मिलके एक बन जाते हैं। मैं चूँकि किसी हद तक लिसानियात का भी तालिब इल्म रहा हूँ और उसमें भी गौर करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ ज़बानों में गौर करता रहता हूँ। हमारे ज़बान में, हमारे मुल्क में हिंदी ज़बान है, अब अरबी इबारतें या उर्दू इबारतें या उर्दू का कोई मिसरा ही ले लीजिए, गालिब की शायरी, मीर की शायरी, अनीस की शायरी से अगर हिंदी ज़बान में लिखें तो किस मुश्किल से गुज़रना पड़ता है। फे के लिए एक ही हर्फ है सा, स्वाद के लिए वही सा, सीन के लिए वही सा। तो समर जिसके मानी फल के हैं और समर सीन से जिसके मानी कुछ और हैं, दोनों में कैसे फ़र्क किया जाए, सीन से समर और फे से समर कैसे फ़र्क किया जाए, है ना ये मसाइल। तो ये मकाते हरूफ पर मबनी है, हम जो कुछ बोलते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, और ये उर्दू अरबी ही के साथ ख़ास नहीं है, अगरचे अरबी का ये मसला बहुत मुश्किल मसला है और इस पर आप सबको तवज्जो देनी चाहिए। नमाज आप सब पढ़ते हैं, नमाज आप सब पढ़ते हैं, कम से कम वो दो तीन सूरे छोटे छोटे जिससे नमाज पूरी हो जाए उन सूरों का सही करत के साथ सीखना वाजिब है। ये मसला भी याद रखिएगा, वाजिब है। यूज़ न कीजिएगा कि हम सीख नहीं सके, कम से कम आज के बाद इस मेंबर से ये मसला, एक मसला वाजिब है। उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है, बच्चे पे जिस तरह वाजिब है बूढ़े पर भी उसी तरह वाजिब, मरने में एक दिन बाकी हो तब भी वाजिब है, एक साथ बाकी हो और सकत हो तब भी वाजिब है। अगर उस वक्त भी आपने इस इरादे से सीखा कि परवरदिगार आलम के हुजूर में जाना है, उसका ये हुक्म है, हम ये सीख लें ताकि उसका जिक्र कर सकें, तिलावत कर सकें, तो भी इंशाअल्लाह निजात की राह खुली रहेगी। बहरहाल तो ये मसला अरबी के साथ तो मुश्किल है मगर दूसरी ज़बानों के साथ भी है। आप अंग्रेज़ी ज़बान में टी एच का तलफ़ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो करते हैं ऑक्सफोर्ड वाले वो नहीं करते, ऑक्सफोर्ड वाले तो टी एच का तलफ़ वही करते हैं जो से का तलफ़ अरबी का है, वो थैंक यू नहीं कहते, हिंदी का था यूज़ नहीं करते हैं, वो
थैंक यू कहते हैं, बिल्कुल फे मालूम होता है। ये ज़बानों का मसला है, जितनी ज़बानें हैं सब में मखारिज हरूफ का मसला है, मगर जहाँ जिस्म ही नहीं है जहाँ मखारिज हरूफ ही नहीं है, ज़ात बारी तआला हज़रत हक सुबहानहु व तआला जिस्म व जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा, किस तरीके से वहाँ कलाम होता है, है ना मुश्किल, कैसे। और जबकि हमारा अकीदा ये है और बजा है, दुरुस्त है, सही है, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि ये वही इलाही जो हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ये वही इलाही सिर्फ मानी नहीं है, ये अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं जी, ये अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से, लफ्ज व मानी सब जू का तू, जैसा खुदा की तरफ से आया वैसा पैगंबर ने हम तक पहुंचाया, एक हर्फ का फर्क नहीं है। ये कमाल अमानत व सदाकत पैगंबर है। देखिए मैं अपने पैगंबर की अजमत को देखिए, हम में से कोई शख्स, हम हो या कोई हो, किसी बात पर सही या गलत कोई टोक दे मैं कुछ कर रहा हूँ और कोई कहे आपने ये क्यों किया, तो मैं जो भी जवाब दूंगा उसे, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये मुकालमा छुप जाए, दूसरों को पता ना चले कि किसी ने इन्हें टोका भी था। समझ रहे हैं, दूसरों को पता भी ना चले कि किसी ने इनको टोका भी था, इसलिए कि गलत भी टोका था अगर, तो फिर समझाएगा कौन कि भाई वो टोकने वाला गलत था, मैं ही सही था, और अगर सही टोका था तब तो बहरहाल मेरी सुक्की ही सुक्की है। ये मैं अपने ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, आम इंसान। और इसीलिए कोई शायर, चाहे वो फ़न में कामिल हो या कामिल ना हो, कोई लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर जाए, हमें तो बहुत ज़्यादा इसका साबिका पड़ता है, कोई कलिमा गलत बांध दिया, तलफ़ुज़ गलत है, हरकत गलत है, ज़ब्त कलिमा गलत है, और लफ्ज़ जो है या तो वो बिगड़ के रह गया या लफ्ज़ को बनाया तो मिसरा बिगड़ के रह गया, ऐसी सूरत में किसी मुद्दई शेर से कहिए कि भाई ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो गया है, वो कभी नहीं मानेगा गलत इस्तेमाल हो गया है, कभी नहीं। इसी तरह हर शोबे हयात में आप देख सकते हैं, घरेलू मसाइल में, इल्मी मसाइल में, अदबी मसाइल में, तो हम कभी कोई टोक दे तो उसका तज़किरा नहीं करना चाहते। कमाल सदाकत व अमानत पैगंबर है कि और मसाइल नहीं, उम्मत के मसाइल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाती मसाला, बिल्कुल जाती मसाला, कि पैगंबर ने फैसला कर लिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, जाती मसला, इसे उम्मत का भी कोई ताल्लुक तो बज़ाहिर नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट लाइफ की बात है, किसी बीवी के कहने से या किसी बीवी की खातिर पैगंबर ने ये फैसला कर लिया कि अच्छा मैं शहद अब नहीं खाऊंगा। नमाज से मुताल्लिक मसला नहीं है, रोज़े से मुताल्लिक मसला नहीं है, हज से मुताल्लिक मसला नहीं है, ज़कात से मुताल्लिक मसला नहीं है, जिहाद से मुताल्लिक मसला नहीं है, तदबीर ममलिकत से मुताल्लिक मसला नहीं है, तहारत से मुताल्लिक मसला नहीं है, उसूल दीन से मुताल्लिक नहीं है, फुरू दीन से मुताल्लिक नहीं है, अख़लाक उमूमी से मुताल्लिक नहीं है, एक ज़ाती पसंद व नापसंद प्राइवेट लाइफ की बात है। पैगंबर
की प्राइवेट लाइफ के कायल लोग गौर करें। जो लोग ये कहा करते हैं बहुत से मकामात पर कि ये पैगंबर की निजी जिंदगी थी, ये पैगंबर की निजी जिंदगी थी, ये पैगंबर की निजी जिंदगी थी, पैगंबर ने अगर नवासों से मोहब्बत की तो ये उनका निजी मसला था, पैगंबर ने भाई से मोहब्बत की तो ये उनका निजी मसला था, पैगंबर ने दामाद के हक में कुछ कहा तो ये उनका निजी मसला था। वो गौर करें, एक बीवी की खातिर पैगंबर ने शहद खाने न खाने का फैसला किया, ये मुकम्मल तौर पर उनका निजी फैसला था। खुदा ने टोका, लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाह, जो चीज अल्लाह ने हलाल करार दी है तुम कौन होते हो हराम करार देने वाले। अखलाकियात ये है, आम तौर पर अखलाकियात ये कि नवासे, नाती, पोते, पोती, बेटे, इन सब मामलात में तो कोई बोल भी देता है, मियाँ बीबी के मामले में कोई नहीं बोलता। भाई हद अदब है, हिफ्ज़े मरातिब है, खलवत की बातें हैं, तन्हाई की बातें हैं, प्राइवेसी की बातें हैं। एक बीवी की खातिरदारी के लिए पैगंबर ने अगर ये कह दिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, ये तय कर लिया कि शहद नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ने मुदाखलत की। और कमाल सदाकत व अमानत पैगंबर ये है कि चूंकि वो मुदाखलत वही की शक्ल में थी तो उसे भी बयान किया, छुपाया नहीं। कयामत तक का मुसलमान बाखबर रहे कि एक फैसला किया था पैगंबर ने, बिल्कुल जाती मसला था कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, अपना मसला था, इनफरादी इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ का मसला, अल्लाह ने उसमें मुदाखलत की और पैगंबर की कमाले का कमाले सदाकत हो, कमाले अमानत हो, कमाले दयानत ये है कि उसे बयान किया। अब मैं अर्ज करूं, अगर शहद की पसंद और नापसंद में खुदा खामोश नहीं रहता तो क्या पूरी उम्मत के लिए अगर पैगंबर किसी को पसंद करेंगे? मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, अगर खुदा की मर्जी न होगी तो खुदा खामोश कैसे रहेगा। सलावत पढ़ने मोहम्मद
आप ये कह के कैसे गुजर सकते हैं? पैगंबर की ज़ाती पसंद की बात थी, पैगंबर की ज़ाती मोहब्बत की बात थी। नमाज पैगंबर की ज़ाती चीज़ है नहीं है ना? नमाज तो खुदा की है, नमाज खुदा की तरफ से है। नमाज में कयाम खुदा का, रुकू खुदा का, सजदा खुदा का, तिलावत खुदा के लिए, तकबीर खुदा के लिए, तशहुद खुदा के लिए, जिक्र खुदा के लिए, और जब पैगंबर सजदे में हो और कोई बच्चा आ जाए पैगंबर सजदे को तूल दे दे, अगर ये मंजूर नजर इलाही नहीं है तो आयत आनी चाहिए मोहम्मद क्या कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो या बच्चा खिला रहे हो। मिसालें बहुत सी बातों को समझने के लिए काफ़ी है। शहद का मसला ज़ाती मसला है, बहुत से लोग हैं अपना ज़ौक है खाने पीने में, हर चीज़ हलाल है, पाक है, ठीक है, मगर मुझे ये पसंद है, वो नापसंद है, मैं रोटी ज़्यादा खाता हूँ चावल नहीं खाता, मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाता हूँ गोश्त नहीं खाता। ये नहीं कह रहा हूँ कि हराम है, उम्मत के लिए हराम करार दे रहा हूँ, फतवा नहीं दे रहा हूँ, मेरी पसंद की बात। जो खुदा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम टोक देता है पैगंबर जो चीज़ मैंने हलाल करार दी है वो किसी की खातिर उसे हराम क्यों करार दे रहे हो? यहाँ हलाल और हराम मुस्तलह शरई नहीं है, वो इस्तलाह जो जिसे कहते हैं हकीकत मुतशर्रिया, जो अहले शरीयत की इस्तलाह राइज हो गई है उससे मुख्तलिफ है। इसमें तो अहले इल्म को इख्तिलाफ़ नहीं होगा इस आयत में, तो ये बहस नहीं छेड़ूंगा, ये उसूल फ़िक्ह का मसला है। हलाल और हराम ये अब इसकी परफेक्ट एक डिफिनीशन है इल्म उसूल फ़िक्ह में और इल्म फ़िक्ह में। वहाँ जो आई है लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाह, वो मसला वहाँ हलाल और हराम को उस अपनी बनाई हुई तारीफ़ की रोशनी में न देखिएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि परवरदिगार कह रहा है जो मैंने रवा रखा उसे तुम क्यों नापसंद करते हो? एक पाबंदी पैगंबर नहीं लगा सकते अपने ज़ाती मसले में, उम्मत के मसले में अगर पैगंबर से खुदा ना खास्ता कहीं कोई लफ्जिश हो जाए, पैगंबर से कोई इज्तिहादी गलती हो जाए, हम कायल नहीं हैं पैगंबर के इज्तिहाद के, पैगंबर मुज्तहिद नहीं होता, पैगंबर मुज्तहिद नहीं होता, पैगंबर की पैगंबरी की असास इल्म है, मुज्तहिद के इज्तिहाद की असास जहल है। मुज्तहिद किसे कहते हैं? मुज्तहिद उसे कहते हैं कि जो इब्तिदान इल्म से जाहिल है, नहीं जानता कि किसी मौजू में, किसी मसले में हुक्म इलाही क्या है,
हुक्म इलाही नहीं जानता। अब वो अपनी जो कुछ भी उसकी इल्मी लियाकत है, इस्तेदाद है, और जो इल्मी तरीक़े मुकर्रर कर दिए गए हैं, उसकी रोशनी में वो कुरान से, हदीस से, आकल से, इजमा से, उसूल फ़काहिया से, उसूल इज्तिहादिया से, जितने भी कवायद फ़िक़हिया छान फटक कर जहाँ जहाँ से भी मुमकिन है वो हुक्म को दरियाफ्त करता है। इस हुक्म इलाही को जो इब्तिदाअन मजहूल है, जिससे वो नावाकिफ़ है, उस हुक्म इलाही को दरियाफ्त करने के सिलसिले में जितनी इल्मी कोशिश करता है, कद्दो काविश करता है, जिद्दोजहद करता है, वह है इज्तिहाद। उसके नतीजे में अगर हुक्म वाकई व असली व हकीकी तक पहुंच गया तो शुक्र खुदा, नहीं पहुंच सका तो भी अजर से महरूम नहीं रहेगा, इसलिए कि उसने हुक्म खुदा दरियाफ्त करने की कोशिश तो की। तो इज्तिहाद की असास है, मुज्तहिद के इज्तिहाद की असास है जहल। पैगंबर की पैगंबरी की असास है इल्म। इल्म खुदा की तरफ से अता हुआ है, अता किया गया है। इल्म लदुन्नी, इल्म वहाबी, इल्म जो वही के जरिए से नाजिल हुआ। पैगंबर सरापाए इल्म है, पैगंबर सर खजीना इल्म इलाही है, अमानतदार इल्म इलाही है। फिर भी समझने समझाने के लिए ये ताबीरें इख्तियार करनी पड़ती हैं कि कहीं नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन नकल कुफर कुफर न बाशद। अगर पैगंबर से पसंद नापसंद में भी कोई चूक हो जाती कि अली को पसंद कर लिया और जिंदगी में, अच्छा मान लीजिए कि परवरदिगार रऊफ है, रहीम है, एक बात अर्ज कर रहा हूँ, परवरदिगार रऊफ है, रहीम है, लतीफ़ है, खबीर है, और फिर ये उसके चहीते हैं पैगंबर, हमारे पैगंबर हबीब खुदा हैं, महबूब इलाही हैं, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, गुफ्तगू की जहतें मुख्तलिफ हो जाती हैं, इसलिए बहुत सी बातें जहन में आती हैं और नहीं कह पाता। ऐसे लोग मौजूद हैं आपके मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में, जो नात की तनकीद करते हैं तो कहते हैं कि पैगंबर को मसलन महबूब खुदा नहीं कहना चाहिए। अरे उन्हें नहीं मालूम कि हम हबीब खुदा या जब महबूब खुदा कहते हैं पैगंबर को तो ये हक अदा नहीं होता मिदहत का और वस्फ का। कुरान तो ये कहता है कि पैगंबर की जो पैरवी करे वो महबूब खुदा बन जाता है। अगर पैगंबर की मोहब्बत रखें और पैगंबर की पैरवी करें तो आप महबूब खुदा बन जाएंगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम अल्लाह के चहीते बन जाओगे, तुम अल्लाह के चहीते बन जाओगे, जिसके सदक़े में हम हबीबुल्लाह बन जाएं वो खुद हबीबुल्लाह नहीं होगा। तो वो तो बहरहाल हबीबुल्लाह हैं। तो फ़र्ज कर लीजिए कि अल्लाह ने एक जगह शहद के मसले में टोक दिया, क्योंकि शहद बेजान था, तो अल्लाह ने शहद के मसले में टोक दिया। लेकिन अजीज़ों का मसला और नाजुक होता है, सब जानदार हैं। मीर अनीस का बहुत मशहूर शेर है, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को, और ख़ुदा से बढ़कर इन आप गिनों का कदरदान कौन होगा। तो फ़र्ज़ कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी के लिए कह दिया, पसंदीदगी का इजहार कर दिया, तो परवरदिगार आलम ने सरफ़ नज़र फरमाया, नहीं टोका वही नहीं आई,
लेकिन एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है। अब जाके हदीस की किताबों को देख लीजिए कि रोज़े अव्वल बेसत से लेकर और रोज़े आखिर तक कितनी बार ऐलान फरमाया। अल्लाह ने कहा वान्दिर आशीरतक अल-अक़रबीन, आप अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराएं, पैगाम इलाही पहुंचाएं। और परवरदिगार आलम के इस हुक्म की तामील में पैगंबर ने जो पहला ही जलसा मुनक़िद किया उसमें सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम नहीं दिया, उस पहले जलसे में ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम तन्हा नहीं दिया बल्कि कहा अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ और जो आज मेरी तस्दीक करेगा वो मेरा वजीर और वसी और खलीफा और जानशीन होगा। ये कलिमात तारीख में मौजूद हैं, हदीस की मुस्तनद तरीन किताबों में मौजूद हैं। एक दो किताबें हो तो हवाला देकर गुजर जाऊं, किसी भी कुतुब खाने में चले जाएं और सही हदीस का मजमुआ उठाएं, तारीख उठाएं, उसमें ये मिल जाएगा। बेशक तो वहीं दूसरी आयत आ जानी चाहिए थी कि या रसूल ये क्या किया, मेरी वहदत का पैगाम पहुंचाने के लिए गए हो या अपने भाई के लिए कोई पैगाम लेकर गए हो। कोई आयत नहीं आई और उस पैगाम के मानी भी सब समझते थे। पैगंबर के वसी होने के मानी, पैगंबर का वजीर, वजीर के मानी तो बज़ाहिर हैं। अच्छा इबारतें मुख्तलिफ, किसी किताब में खलीफा का लफ्ज़ नहीं है, किसी में वसी का लफ्ज़ है, किसी में वजीर का लफ्ज़ है, किसी में तीनों अल्फाज हैं, किसी में दो हैं, नकल में रावियों से कहीं सहो हो गया, कोई भूल गया, किसी ने भुला दिया। किसी ने लिखा, किसी ने नज़रअंदाज कर दिया। मगर बहरहाल जब तमाम रिवायतें हम जमा करते हैं तो एक इबारत सामने आती है, उस इबारत को मुख्तसर तरीन कर लिए, सिर्फ वसीही का कलिमा मान लीजिए, ये मेरे वसी होंगे। वसी के मानी हाकिम के नहीं हैं, ठीक है। वसी शख्सी उमूर में, पैगंबर के शख्सी ज़ाती उमूर में वसी थे, यानी पैगंबर ने किसी से कर्ज लिया तो ये कर्ज वापस करेंगे। पैगंबर के पास किसी ने अमानत रखी तो ये अमानत के जिम्मेदार होंगे, हैं? इसी हद तक सही। पैगंबर के नाम पर माल खाने वाले और हैं, पैगंबर का कर्ज अदा करने वाले। पैगंबर का कर्ज अदा करने वाला सिर्फ अली है, ये याद रहे, पैगंबर का कर्ज अदा करने वाला सिर्फ अली, इसी मानी से। लेकिन ये आप जो आज समझ रहे हैं, हम जो आज समझ रहे हैं अपनी मंतिक और उसूल फ़िक़्ह और मबाहिस लफ्ज़िया वगैरह वगैरह की रोशनी में, वो जो मुखातबीन अव्वल थे जो उस जलसे में आए थे, जैसे ही उन्होंने कहा रसूल ने कहा है कि आज जो मेरी तस्दीक करेगा वो मेरा वसी होगा और वज़ीर होगा। वज़ीर के मानी है बोझ बटाने वाला, वज़ीर से है वज़न बोझ, वज़ीर बोझ बटाने वाला, मेरा बोझ जो उठा ले वो मेरा वज़ीर। पैगंबर के ऊपर जो भी बोझ हो वो जो उठा ले वो है वज़ीर, जो पैगंबर पर बोझ बन जाए वो और है, जो पैगंबर का बोझ उठा ले वो और है। पैगंबर ने कहा ये मेरे वजीर, ये मेरे वसी, ये मेरे जानशीन, ये मेरे तस्दीक करने वाले, जो भी कहा, जो भी कहा उसके मानी क्या समझे लोग,
बड़े बड़ों ने जिनमें अक्सर सुखनदां और सुखनवर थे, शायर थे, खतीब थे, अहले जबान थे, उन्होंने फौरन अबू तालिब को देखा, कहा भतीजे का कहना मानो, बेटे की इताअत करो। मालूम था कि विसायत पैगंबर के मानी ये है कि जो इन्हें वसी मानेगा उसे इताअत करनी होगी। इताअत। तो ऐसे कितने मौके आए जिंदगी में, दावत दुल आशीरा से लेकर मैदान गदीर तक कितनी बार पैगंबर ने अली की विसायत का ऐलान किया और एक बार आयत ना आई कि ए पैगंबर अली की शान में गुलू ना करो। सिर्फ ये कि आयत नहीं आई बल्कि खुद शरीक हो गया, अगर अली बिस्तर पर लेट गए तो मद्दाही में आयत आ गई। अली की एक एक अदा पर कलम मशीयत ने कसीदा निगारी की है। ममदूह कुरान है अली, ममदूह कुरान, ममदूह कुरान, ममदूह मोहम्मद है अली, ममदूह महमूद है अली। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक और बलंतर सलावत तीन मिसाले दी, वक्त तमाम हो गया और बात अभी बिल्कुल अधूरी रह गई। मैं तो बात कर रहा था वही की, उसमें बात यह आ गई कि किस अमानतदारी के साथ पैगंबर ने वही पहुंचाई। लफ्ज भी उधर के हैं, मानी भी उधर के। अब ये लफ्ज और मानी कैसे पैगंबर तक आए? फरिश्ते ने पहुंचाया, फरिश्ते तक कैसे आए? पैगंबर को आके फरिश्ते ने सुनाए अल्फाज, तो पैगंबर का हद तक मसला हल हो गया। फरिश्ते को किसने सुनाए? फरिश्ता लफ्ज लेके आया या सिर्फ मानी लेके आया? ऐसा आसान मसला नहीं है, और कीजिएगा, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज संडे नहीं है, इसलिए गुफ्तगु को समेट रहा हूँ। कलाम वहाँ से सादिर कैसे हुआ, ये मसला है। और फरिश्ता भी जो लेकर आया, तो आखिर क्या चीज है फरिश्ता जो उन्हें नजर आता है हमें नहीं नजर आता, जबकि वो तो हमारे ही जैसे हैं। हमारे जैसे का मतलब भाई जैसा हमारा चेहरा है ऐसे ही उनका चेहरा है, जैसी हमारी आंखें हैं ऐसे ही उनकी आंखें हैं, जैसे हमारे कान हैं वैसे उनके कान हैं।
तो वही की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती, उन्हें कैसे सुनाई देती है? फरिश्ता हमें दिखाई नहीं देता, उन्हें कैसे दिखाई देता है? है ना मसाइल मुश्किल। ज़ाहिर है इन मसाइल को हल करने के लिए पहले तो हमें पूरा पूरे वजूद के साथ अगर तजर्रुद का सफ़र इख्तियार न कर सकें तो कम से कम हमें अपनी अक्ल मुजर्रद को मज़ीद मुजर्रद तर बनाना पड़ेगा, अक्ल को पाकीज़ा तर बनाना होगा, अक्ल को और नफीस बनाना होगा, अक्ल को और बुलंद तर करना होगा। और तब समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। बस अब इस मकाम पे गुफ्तगू रोक रहा हूँ इसलिए कि बात छिड़ी तो बहुत दूर तक जाएगी और कल इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि इन ये मसाइल अगर आपके जहन में हैं और फिर तमाम आलम इस्लाम की तारीख देखिए, कोई एक भी ऐसा है जो मुसलमान हो, कलिमा गो हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद पर यकीन रखता हो और कुरान को वही इलाही ना मानता हो? नहीं है ना, सब इसे वही इलाही मानते हैं। शायरी की हद तक अलग बात है कि सर सैयद अहमद खान ने फारसी में शायरी की है, ये लोगों को कम मालूम होगा। सर सैयद ने शायरी भी की है और फारसी में भी शायरी की है और उनका एक अजीब व गरीब शेर है, कहते हैं कि ज़े जिब्रील अमीन कुरान बे पैगाम नमी खाहम, हमें गुफ्तार माशूक अस्त कुरान के मन दारा, मैं नामो पयाम की सूरत में जिब्राइल के तवस्सुत से कुरान नहीं चाहता, जो कुरान मैं रखता हूं वो तो सरबसर किसी माशूक की गुफ्तगू है। ये एक ताबीर है, इस ताबीर का भी एक पसे मंजर है, कुरान एक माशूक की गुफ्तगू है या एक आशिक की गुफ्तगू है, दोनों ताबीरें दुरुस्त हो सकती हैं। इसलिए कि यहां मामला ही अजब था, वो इनका माशूक, ये उसके माशूक, कमाल वहदत ये है, अगर वो आशिक होता ये माशूक, ये आशिक होते वो माशूक, तो फिर सनवियत का तसव्वुर रहता। कमाल वहदत ये है, कमाल इत्तेहाद ये है, कमाल तौहीद ये है। इत्तेहाद से वो इत्तेहाद हुलूल वाला तसव्वुर जहन में ना आए, कमाल वहदत ये है कि वो भी माशूक ये भी माशूक, ये उसके माशूक वो इनका माशूक, वो इस इनके आशिक ये उनका आशिक। अगर आशिक का कलिमा का इतलाक होगा तो दोनों पर, माशूक के कलिमे का इतलाक होगा तो दोनों पर, मुहिब का कलिमा इतलाक किया जाएगा तो दोनों पर, महबूब के कलिमे का इतलाक होगा तो दोनों पर हैं। और वो रिवायत अब समझ में आती है कि इसीलिए हदीस कुदसी में कि मैंने अपने हबीब का नाम अपने नाम से मुश्तक करार दिया, मैं महबूब महमूद हूँ और ये मोहम्मद है, और कलिमा महमूद का इतलाक भी पैगंबर पर हो सकता है, अहमद का इतलाक भी पैगंबर पर हो सकता है, ये तमाम इतलाकात बजा हैं, दुरुस्त हैं। अगर इंसान में ज़रा सा तजर्रुद पैदा हो जाए, यानी ज़रा इंसान सतह उमूमी से बुलंद हो जाए, ज़रा सा बुलंद हो जाए, ज़रा सा बुलंद हो जाए तो समझ में आता है कि वही कैसे नाजिल होती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर हकीकत वही मुनकशिफ हो जाएगी और समझ में आ जाएगी, नहीं, इल्मी मसला हल हो जाएगा, यकीन पैदा हो जाएगा कि वही नाजिल होती है, फरिश्ता पैगंबर को नज़र आता है,
और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैगंबर ही को फरिश्ते नजर आए, सिर्फ पैगंबर ही को सदाए गैब सुनाई दे, मगर मकाम वही इलाही में। हाँ, ये शर्त है कि जब वही नाजिल होगी तो वो फरिश्ता सिर्फ पैगंबर को नजर आएगा, किसी और को नजर नहीं आएगा। पैगंबर तक पैगाम पहुंचाएगा, कोई और उस पैगाम में शरीक नहीं हो सकता। जब तक के पैगंबर शरीक ना बनाए, यानी इधर वही नाजिल हुई, पैगंबर बुलाएं और बताएं ये वही नाजिल हुई है मुझ पर, तो वो शरीक राज़े पैगंबर हो गया। और ऐसे बहुत से हैं, लेकिन पूरे कुरान का राज जिसको अता किया पैगंबर ने, फिर कोई शक व शुबा नहीं है कि वो ज़ात मुबारक मुर्तज़ा भी है, मुर्तज़ा अली अमीन कुरान। कल अर्ज कर चुका कि ये न होते तो कुरान की हिफाजत नहीं हो सकती। सब कुछ कुर्बान कर दिया कुरान की हिफाजत के, सब कुछ, इख्तदार ज़ाहरी, हुकूमत, सियासत, ताख ताज, सब कुर्बान कर दिया। किसके लिए? दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए। और इसीलिए दुनिया के तमाम कुतुब खानों में जाइए, अव्वलीन नुस्खे कुरान के, पहले अव्वलीन नुस्खे कुरान मजीद के किसी भी म्यूज़ियम में जाइए तो सिर्फ एक कलम से मिलेगा, वो कलम अली इब्न अबी तालिब का है। जाने कितने नुस्खे हैं दुनिया में बिखरे हुए लाइब्रेरियों में कि जो अमीरुल मोमिनीन के कलम मुबारक से लिखे हैं, कुरान को लिख कर महफूज करके चले गए। अब कुरान महफूज है, कयाम कयामत तक के लिए महफूज, कागज़ पर भी महफूज किया और कुरान को अपनी नस्ल में महफूज कर गए, अपनी नस्ल में महफूज कर गए कि अगर कागज़ कोई मिटा भी दे तो इनकी नस्ल नो के नैजा पर कुरान तिलावत करेगा। जिस्म पामाल हो चुका होगा मगर कुरान मजीद की तिलावत होती रहेगी, कुरान महफूज रहेगा, कुरान में तहरीफ नहीं हो सकेगी। बस अब मेरी ताकत बिल्कुल साथ छोड़ चुकी है, मैं बेइरादा ज़बान पर एक जुमला आ गया कि अगर जिस्म पामाल भी हो जाए तो भी नो के नैजा पे ये कुरान की तिलावत करेंगे। ये लफ्ज़ पामाल हो जाने पर याद आ गया मुझे कि आज जिसका मातम करते हैं आप, मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ़ मेरी नज़र में है मगर अल्लामा मजलिसी की यही तहरीर है। अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि हुसैन का भतीजा हसन का बेटा, वो बेटा कि जो अभी पूरी तरह से बालिग भी नहीं हुआ था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और क्या हुस्न जमाल था, क्या हुस्न जमाल था, दुश्मन खून के प्यासे दुश्मन और फौज दुश्मन का सहीफा निगार, फौज दुश्मन का वकायअ निगार यानी रिपोर्टर, उसका जुमला यह है कि जब कासिम इब्ने हसन खैमे से निकले हैं, फौज की तरफ आए हैं, तो लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा है जो चला है।
क्या चेहरे की ताबानी थी, क्या जिसमें नाजनीन था। और बस सादा तौर पर मैं सिर्फ तारीखी हकायक चंद जुमलों में पेश करूंगा। आप अपनी आँखों पर पहरा बिठा नहीं सकते। आंसुओं को जब्त कर नहीं सकते आप। जितने भी ख़याम हुसैनी से भी आए हैं, सबके जिस्मों पे ज़रह थी, इल्ला कासिम इब्न हसन, चूँकि कद छोटा था इसलिए कोई ज़रह ऐसी नहीं थी जो जिस्म नाज़नीन कासिम पर पूरी उतरती हो, इसलिए बस कुर्ता पहनकर मैदान में आ गए। और सुन सकेंगे आप, चंद शहीद ऐसे हैं जिन्हें हुसैन ने रुख्सत करते वक्त एक ख़ास अंदाज इख्तियार किया, एक ख़ास तगैयुर पैदा हो गया हुसैन की शख्सियत में। जब अली अकबर को रुख्सत किया, कल मैंने बताया था, खुदा को गवाह करके कुछ कलिमात इरशाद फरमाए, कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई। जब कासिम एजन तलब हुए हैं तो बड़ी हसरत की निगाह से हुसैन ने कासिम को देखा, उसके बाद गले में बाहें डालकर कुछ देर तक रोए। और रिवायत है, तारीख है, हुसैन जैसा साबिर कासिम को सीने से लगाकर इतना रोया कि गश खा के गिर। अजरकुम अला। हुसैन है हुसैन, अजरकुम अला। मेरा जुमला याद होगा आपको, हुसैन के एहसासात का इदराक हम नहीं कर सकते। ये देखिए हुसैन ने दूसरों की मुसीबतों को कैसे महसूस किया है। अकबर की शहादत से पहले या बाद हुसैन को खुशी नहीं आई। अकबर हुसैन के बेटे हैं। असगर की शहादत के बाद हुसैन को खुशी नहीं आई, मगर कासिम को रुख्सत करते वक्त हुसैन गश खा के गिर गए। क्यों? इसलिए कि हसन मौजूद नहीं है। एक तरफ ये कासिम भाई की यादगार है, दूसरी तरफ ये हसन वो है, ये कासिम वो है कि जिसकी माँ करबला में मौजूद है। बेवा माँ उसका सहारा है कासिम। अब हुसैन के एहसासात, गले में बाहें डाल के इतना रोए, कासिम भी खश खा के गिर गए, हुसैन भी खश खा के गिर। बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, इसके बाद एक शबीह बरामद होगी, ये गोया एक लाश की शबीह है। आप खूब मातम कीजिएगा, खूब गिरिया कीजिएगा, खूब नौहा पढ़िएगा, मगर बस मैं दो आखिरी जुमले कह रहा हूँ, तारीख के जुमले हैं, कोई सुखन गुस्तराना बात नहीं है। हुसैन ने न सिर्फ ये कि कासिम को जिरह न पहना सके, बल्कि जो कुर्ता कासिम पहने हुए थे उसका गरेबान चाक कर दिया, जो अमामा था उसे दो पारा करके और जुल्फों की तरह सीने पे डाल दिया। और तारीख का जुमला है, जैसे कफन पहनाया जाता है, चचा ने अपने हाथों से भतीजे को कफन पहना दिया। भतीजे जाओ जाओ।
अल्लाह की राह में, और फिर भतीजा अल्लाह में मजलिसी का जुमला, ये वो शहीद है जो जिंदा पामाल हो गया। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, कासिम पामाल हो गया। चचा जान, चचा मेरी मदद कीजिए, चचा मेरी।